साथियों, आज देश में राजनीति की दो मुख्य धाराएं बन गई हैं। एक धारा बीजेपी और एनडीए की है, जिसका मकसद है देश के लोगों को सशक्त करना, हर लाभार्थी के दरवाजे तक खुद जाकर उसे लाभ पहुंचे। इसके विपरीत एक ऐसी धारा है कांग्रेस और आरजेडी की, इंडी गठबंधन वालों का मकसद है देश के लोगों से छीनना, उन्हें तरसाकर रखना और खुद की तिजोरी भरना। जैसे कांग्रेस हो या आरजेडी, इन दोनों पार्टियों ने बिहार के लोगों को विकास के लिए तरसा कर रखा। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर बिहार के करोड़ों लोगों को दाने दाने का मोहताज बना दिया था। किसी के पास खेत खलिहान है तो नौकरी के बदले उसकी जमीन छीन लो, किसी पास नौकरी है तो तनख्वाह छीन लो, किसी के पास गाड़ी है तो गाड़ी छीन लो, कोई थोड़ा भी सामर्थ्यवान है तो उसका अपहरण करवा लो। यही जंगल राज के दिनों का हाल था। यही आरजेडी और कांग्रेस के शासन का तरीका था। नीतीश जी ने और बीजेपी के लोगों ने और एनडीए के सब साथियों ने बड़ी मेहनत करके बिहार को उस जंगल राज से बाहर निकाला है। अब एनडीए की सरकार मिलकर प्रयास कर रही है कि हर लाभार्थी के दरवाजे पर पहुंचे उन्हें अपनी योजनाओं से जोड़े। पिछले 10 साल में बिहार के लोगों को 50,000 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा याद रखोगे? मेरे बिहार के लोग तो बहुत जागरूक है, मैं जो आंकड़ा बोल रहा हूं याद रखोगे? जरा आप जवाब दे तो मैं बोलूं। जो मैं आंकड़ा बोल रहा हूं याद रखोगे? जो आंकड़ा मैं कह रहा हूं याद रखोगे? 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सीधा दिल्ली से आप सब लोगों के खाते में भेजे गए हैं 50,000 करोड़ रुपया। अररिया और सुपौल के किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 1,600 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई कट नहीं, कोई चोरी नहीं, सीधा किसान के खाते में मोदी ने भेजा है। यहां अररिया और सुपौल दोनों जिलों में गरीबों को 3 लाख पक्के घर मिले हैं। 3 लाख पक्के घर। साथियों, बहनों बेटियों के जीवन को आसान बनाना ये एनडीए की प्राथमिकता है।